Myself, Mishram sir, Kalpatru Vidya Mandir Sindhavai. This is 4th standard subject English, and here we are going to see the Anansi and 5 chapter. In the last period, we had seen the two animals Anansi had met on the way, and he deceived to that animal. Firstly, Mrs. Rabbit. And secondly, Mr. Duck, and he ate all the food. जितना भी उनके पास फूड था वो सारा फूड ईट कर दिए. Now, next part of the story. Here, the writer is saying, I know you will be wondering about Anansi's family. अभी यहाँ पे देखो कि Anansi ने दोनों भी के भी पास का मीन्स मिस्टर डक एंड मिसेस रैबिट के पास का जितना भी फूड था वो सारा का सारा ईट कर दिया खुद. अलोन ही ईट ऑल द फूड बट ही डिड नॉट रिमेम्बर हिज फैमिली. उसने अपने फैमिली को याद नहीं किया एंड ही डिड नॉट थिंकिंग अबाउट हिम. वो उसके बारे में उनके बारे में सोच भी नहीं रहा था. तो उन्होंने टोटली फूड ईट किया, थोड़ा सा भी उसने सेव नहीं किया था. He ate everything without thought about any of them. उन्होंने खुद भी all the food he ate without thinking about them. उन्होंने अपनी उनके family का सोचा भी नहीं और food eat किया. Now next to come along on her way to the market to buy some tasty treat. Now he was waiting to next animal and the animal was Miss Frog. Now there came Miss Frog. This is the third animal he met on the way, Miss Frog. And now when the Anansi saw the Miss Frog is coming, and then he called Miss Frog, but she laughed. Miss Frog laughed and did not stop there. उसने जो मिस फ्रॉग थी द फ्रॉग डिड नॉट स्टॉप नियर द Anansi. Anansi ने उसको हेल्प भी मांगी, मिस फ्रॉग स्टॉप हियर एंड प्लीज हेल्प मी टू काउंट दिस याम्स. बट हियर मिस फ्रॉग डिड नॉट लिसन हिज एंड वेंट टू द मार्केट एंड शी सेड काउंट देम बाय योर सेल्फ. ये जो काउंट याम्स है, हियर आर द याम्स, काउंट देम योर सेल्फ, तुम ही उसको काउंट कर दो. एंड नाउ शी हॉप्ड अवे, वो स्टार्टेड टू गो. इट डिड नॉट बोदर Anansi टू मच. अभी ये जो है ये Anansi ने इसको डिसीव नहीं कर पाई इसको फ्रॉग को, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ही डिड नॉट बोदर एंड बिकॉज ही न्यू वुड बी प्लेंटी मोर, क्योंकि उसको मालूम था ही न्यू दैट मेनी पर्सन मेनी एनिमल्स विल कम हियर. यहाँ पे बहुत से एनिमल्स आएंगे एंड ही विल डिसीव देम. ही इमेजिन व्हाट डिलीशियस फूड ही वुड फाइंड. अभी वो इमेजिन करने लगा क्योंकि नेक्स्ट जो भी आने वाले हैं द नेक्स्ट एनिमल विल कम हियर एंड दे वुड हैव अ डिलीशियस फूड. एंड ही वॉज थिंकिंग, वो थिंक कर रहा था कि उनके पास भी बहुत सारा फूड होगा. He did not imagine taking to his hungry children. देखो वो अपने बारे में सोच रहा है. He was thinking about himself. वो खुद के बारे में सोच रहा है कि I will get a different delicious food. But he did not thinking about his children. वो अपने children के बारे में नहीं सोच रहा है. He was greedy. यहाँ पर एक Anansi was greedy. लालची दिखाया है story में उसको. Now he was going to the eat much as he could fit as his stomach. जितना भी उसको food मिलता है. Whatever he get the food, he ate all the food. वो पूरा का पूरा food eat करता है. And then came back and tried trick again on another day. और वहाँ से और से वो trick करते जाता है, food लेते जाता है उनको deceive करके and food eat करता है. Now another day, अभी next day, a scurrying sound. Scurrying sound means moving hurriedly. जो हरीली मूविंग करते हैं भास्ती वो जाते हैं, तो ऐसा उसने एक साउंड हर्ड किया. एंड वो जो ड्रीम देख रहा था कि एनिमल्स आएंगे
आई विल डिसीव, मैं उनको डिसीव करूंगा, फंसाऊंगा एंड वहां से फूड लूंगा। तो ये ड्रीम देख रहा था तो उसने एक साउंड सुना, स्करिंग साउंड, एंड इट वॉज मिस श्रू, इट वॉज मिसेस श्रू, मिसेस श्रू। द साउंड वॉज, द साउंड, ये जो साउंड था, ही वॉज लिसनिंग, वो जो सुन रहा था, तो वहां से मिसेस श्रू वॉज कमिंग, वहां से आ रही थी। एंड ऑन अ टीनी बैग, उसके टीनी बैग, टीनी में स्मॉल बैग के ऊपर पीछे, ही हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पीज, उसके पास पीस थे और पीठ पे उसने रखे थे कुछ तो भी लोड में, बैग में। एंड वो क्या कर रही थी, शी वॉज गोइंग टू मार्केट, मिसेस श्रू वॉज गोइंग टू मार्केट टू सेल द पीज, ये सेल करने के लिए जा रही थी। इन्होंने टीनी बैग के ऊपर अपना एक ह्यूज लोड लेके, बड़ा सा लोड लेके, लोड है ना ऐसे, उसके पास जो सामान था या बैग होंगी उसके पास, तो वहां पे उसने पीस डाले, एंड गोइंग, शी वॉज गोइंग टू मार्केट टू सेल द पीस। द लोड वॉज थ्री टाइम्स हर साइज, अभी जो लोड था वो लोड वॉज वेरी हेवी, थ्री टाइम्स हर साइज, इसके साइज से थ्री टाइम्स वो बड़ा था लोड, एंड बहुत ही हेवी था वो। एंड हर फेस वॉज रेड फ्रॉम एफर्ट ही वॉज मेकिंग, एंड ही वॉज मेकिंग एफर्ट, बहुत ट्राई कर रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी लेके जाने के लिए, क्योंकि उसको मार्केट जाना था, शी वॉज गोइंग टू मार्केट टू सेल दिस पीस, और वो बहुत ही एफर्ट कर रही थी, बहुत ट्राई कर रही थी, इसके वजह से उसका फेस भी बहुत रेड आ गया था, वो बहुत टायर्ड हो गई थी, शी वॉज वेरी टायर्ड। नाउ नाउ हियर अरांसी इज सिटिंग टू वेटिंग मिसेस श्रू, एंड नाउ ही सेड, ओ लेडी श्रू, हाउ नाइस टू सी यू, एंड ही वॉज सेइंग मिसेस श्रू, हाउ नाइस टू सी यू, मुझे बहुत खुशी हुई, सिट अ व्हाइल एंड रेस्ट, सिट हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर रेस्ट करो, आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट्स एंड यू कैन शेयर योर विजडम विथ मी। Anansi said to the Mrs. Shrew, I need you to count my yam. मेरे yams को count करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। I need you and share your wisdom with me. यहाँ पे count करने के लिए help करो and मेरे साथ तुम्हारा wisdom share करो। Wisdom share करना means तुम्हारा cleverness। तुम कितनी clever हो? Wisdom means cleverness दिखाओ मुझे और share करो मेरे साथ। Now Anansi grinned. अभी Anansi grinned and showed all his sharp teeth. Anansi grinned. Grinned means smell. Grinned. Grinned means smell. Smell means किसका smell? क्योंकि she has a pee and therefore she grinned. Anansi grinned and showed all his sharp teeth. और अपने वो teeth दिखाने लगा sharp teeth क्योंकि उसको भी सेंट आई, स्मेल आई, उसके पास पी है करके। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू चार्मिंग, अभी वो बहुत खुश भी हुआ था वो। ही वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू चार्मिंग, वो उसको चार्मिंग यानी बहुत ही अट्रैक्टिव या बहुत हैप्पीनेस दिखाने का ट्राई कर रहा था वो Anansi, बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू ईट ऑल द पीस, क्यों वो ऐसे क्यों दिखा रहा था, ही वॉज लुकिंग अ चार्मिंग बिकॉज शी हैज अ पीस एंड पीस Anansi wants to eat the all peas. वो सारे के सारे peas वो eat करना चाहता था, इसलिए उस तरह का उसका expression था उसके तरह। Now, Mrs. Shrew was not a fool. अभी Mrs. Shrew जो थी, अभी इतने ऊपर जितने भी थे मिले उसको, वो फूल बन गए थे without frog. वो frog छोड़ के सारे वो फूल बन गए थे, लेकिन Mrs. Shrew was not a fool. फूल नहीं थी वो, मूर्ख नहीं थी या उल्लू नहीं बनी। She could see Anansi's eye glisten, वो देख सकती थी, she can look Anansi's eye glisten, glisten means एक चमक, glisten, glisten means shine, shine, एक shine वो देख सकती थी उसके eyes में। And well Anansi you are kind, I am tired. She put down her load. Now she said to the Anansi, okay, I rest here. Now she put down her load. उसने अपना load नीचे रख दिया. And how can help you? And she said, please tell me how can help me. मैं तुम्हारी help किस तरह से कर सकती हूँ.